हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के क्लास की साइंस के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ में। और दोस्तों आप लोगों को पता है 8 तारीख से, वेडनेसडे से अपना शुरू हो रहा है चैप्टर वाइज एमसीक्यू बैच। इसके माध्यम से आप लोगों की पूरी 45 क्लास में पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। आपका कोई सा भी एग्जाम दे लो, सभी साइंस के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हर क्लास के आपको पीडीएफ मिलेगी, 6 महीने की वैलिडिटी है। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपका हर एक कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। मिस ना करें, डेली दोपहर 1 बजे लाइव क्लास चलेगी। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर ले, तुरंत आप लोगों को लिंक आ जाएगा, ज्वाइन कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। गुड मॉर्निंग आप सभी को। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, बताओ। क्वेश्चन में आप लोगों से बोला जा रहा है केचुओ की गतिविधि से उत्पन्न नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे खनिजों से भरपूर इस अत्यधिक विघटित कार्बनिक पदार्थ को आप लोग क्या बोलते हो? तो देखिए दोस्तों, अर्थवर्म केचुआ करता क्या है? जैसे हम लोग तो भोजन, देखो आपको पता है हर जीव अपने भोजन के लिए अलग अलग प्रकार की विधि का इस्तेमाल करता है। तो अगर बात करें अर्थवर्म केचुए की बात करें ना, तो जो डेड आप लोगों के मैटर रहता है ना उसको खाता है, जो पेड़ की पत्तियां होता है उसको खाता है, रूट वगैरह को खाता है। तो जब ये उनको खाता है, उसको डिकम्पोज करता है ना, तो ये एक आप लोगों का अलग पदार्थ बनाता है, एक है ना, एक अलग पदार्थ बनाता है वेस्ट के रूप में, जिसे आप लोग बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। और इस पदार्थ में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम मौजूद होता है। तो इसका यार ये तो फर्टिलाइजर हो गया, क्योंकि देखो हम मिट्टी में क्या मिलाते हैं, फर्टिलाइजर मिलाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा हो। इससे क्या होगा, जो प्लांट होंगे ना वो इस मिट्टी में जो ये मिनरल्स है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनको क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे और उनकी अच्छे से ग्रोथ होगी। तो ये तो एक खाद की तरह काम कर रहा है, एक फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। पहला ओजोन छिद्र कब खोजा गया था? आप लोगों को ये तो पता ही है कि हमारी ओजोन लेयर में छेद हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि पहली बार कब पता पड़ा था कि यार हमारी ओजोन लेयर में यार छेद हो गया। ठीक है, और ओजोन लेयर क्या है पूरी ढंग से समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, इस अर्थ के चारों ओर क्या है, वायु है। वायु जहां तक फैला हुआ है उसको आप लोग क्या बोलोगे, वायुमंडल यानी एटमोस्फेयर। दोस्तों ये वायु आप लोगों की अलग अलग प्रकार की होती है। यहां पर आप लोगों की उसकी डेंसिटी अलग है, यहां पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी अलग है, ऊपर थोड़ी अलग है। तो उनको अलग अलग हम लोगों ने लेयर में बांट रखा है। सबसे पहली वाली कहलाती है ट्रोपोस्फेयर यानी शोभ मंडल, इसके बाद में आता है आप लोगों का स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल। दोस्तों इसी आप लोगों के लेयर में ओजोन गैस बहुत अधिक मात्रा मिलती है, बिल्कुल एक लेयर बनी हुई आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, जो क्या करती है, सन से जो खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रेज आती है ना, इसको पृथ्वी पे आने से रोकती है। लेकिन अब ये जो ये लेयर है ना, इसमें क्या हो रहा है, छेद हो रहे हैं। आप लोगों को बताया अलग अलग चीजें इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो पहला छेद के बारे में कब पता पड़ा था, ये पता पड़ा था दोस्तों 1985 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये पता कहां पड़ा था दोस्तों, ये अंटार्कटिका में एक हेले रिसर्च सेंटर है, वहां पर आप लोगों को पता पड़ा था ये। ठीक है, अंटार्कटिका यहां पर है, तो इसके ऊपर जो वायुमंडल है वहां पर ओजोन लेयर में छिद्र पाया गया था। ठीक है, 1985 में। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, आप लोगों को उस स्थान का नाम बताना है जहां पर प्रोटीन का पाचन होता है। देखिए दोस्तों, जो हम लोग फूड लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, जिसका अल्टीमेटली हमारे बॉडी में डाइजेशन होना है। क्योंकि जब डाइजेशन होगा ना, तभी वो आप लोगों के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और तभी हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो देखिए सबसे पहले आप लोग भोजन को कहां पर रखते हैं, आप लोग सर माउथ में रखते हैं। माउथ से ये भोजन कहां पर जाता है, फूड पाइप के माध्यम से नीचे जाता है। कहां पर, स्टमक में जाता है, पेट में। फिर पेट से कहां पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपके फूड में जो प्रोटीन होता है उसका माउथ में तो कुछ नहीं होता, माउथ में डाइजेशन नहीं होता, नीचे आते हैं इस फूड पाइप में भी कुछ नहीं होता, पेट में डाइजेशन होता है। पेट में क्या होता है, जो आप लोगों का प्रोटीन होता है ना, वो किस में आप लोगों का टूट जाता है,
पेप्टोन में टूट जाता है, किसके माध्यम से यह कार्य करता है, एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन। तो यार ऑप्शन में स्टमक तो है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब स्टमक से जब फूड आपका इस स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में आएगा ना, तो जो छोटी आंत है इसके तीन पार्ट होते हैं, एक तो होता है डीड्यूनम, एक होता है जीजुनम, एक होता है इलियम। तो यहां पर क्या प्रोटीन का डाइजेशन होता है क्या? और बिल्कुल, क्योंकि सर ये जब पेप्टोन आप लोगों का इधर छोटी आंत में आ जाता है ना, तो होता क्या है, यहां पर होता है हमारे पैनक्रियास यानी अग्नाशय, उससे निकलता है पैनक्रियाटिक जूस जो कि कहां पर आता है, छोटी आंत में आता है। इस पैनक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन, जो कि क्या कराता है, फूड का डाइजेशन करवाता है। कौन से फूड का? प्रोटीन वाले फूड का। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात को? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। पैरोटिड ग्रंथि जो होती है ना, वो कहां पर आप लोगों की पाई जाती है? लोकेशन आप लोगों को बतानी है। आप लोगों को पता है ग्रंथि आप लोग किसको बोलते हो? ऐसे अंग या ऐसे आप लोगों की बॉडी के पार्ट जिनसे कोई ना कोई चीज निकलती है, किसी ना किसी चीज का सिक्रेशन होता है, स्रावित होता है, श्रावण होता है, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोग को बताया पैरोटिड ग्लैंड से क्या निकलता है? देखिए हमारी माउथ में पाई जाती है सलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां, तीन प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। वो लार ग्रंथियां क्या करती है? लार बनाती है, लार निकालती है, सलाइवा आप लोगों की निकालती है। तो पैरोटिड एक प्रकार की क्या है? सलेवरी ग्लैंड ही है। ये आपकी कहां पर पाई जाती है दोस्तों? ये आपका कान है ना, कान के जस्ट नीचे इस साइड पाई जाती है। मैं आप लोगों को लोकेशन बताऊं यहां पर पाई जाती है आप लोगों की पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। और आपको जैसा कि पता है तीन प्रकार की आप लोगों की पाई जाती है, तीन प्रकार की सलेवरी ग्लैंड होती है। तो इन तीनों में सबसे बड़ी सलेवरी ग्लैंड लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड ही है। कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि तीन लार ग्रंथि पाई जाती है, इनमें से सबसे ज्यादा लार कौन सी ग्रंथि से निकलता है, तो आंसर पैरोटिड मत देना। आप सोचो यार पैरोटिड बहुत बड़ी है साइज में, इसलिए इससे सलाइवा सबसे ज्यादा निकलता होगा। नहीं, जो दूसरी पैरोटिड ग्लैंड है सब मैंडिबुलर जो ये सलाइवरी ग्लैंड है ना, इससे सबसे ज्यादा सलाइवा निकलता है, लगभग 70%। समझ में आ गया? चलिए सर अब इसकी लोकेशन बताइए। ठीक है दोस्तों, ये जो आप लोग देख पा रहे हो ना, ये क्या है? कान का कौन सा पार्ट है? केवल आउटर पार्ट है। ये जो है ना केवल आउटर पार्ट है, जिसको आप लोग बोलते हैं पिना। अब जो साउंड आप लोगों का अंदर जाता है ना, वो ईयर कैनाल, ये एक रास्ता देख रहे हो, ईयर कैनाल, इससे कहां तक जाता है? अंदर ईयर ड्रम तक जाता है, जिसे आप लोग देशी भाषा में कान का पर्दा बोलते हो। तो देखो ये आपके क्या है? अंदर यहां पर है आप लोगों की ईयर कैनाल। तो ईयर कैनाल के जस्ट आप लोगों को पास में दिख रही है क्या? तो ये आप लोगों का क्या है? बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर कैनाल। जो ईयर कैनाल है ना, उसके सामने होती है, उसके पीछे नहीं होती, उसके सामने होती है, वो थोड़ा नीचे होती है आप लोगों की। क्लियर है? करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एल्टीट्यूड सिकनेस जो होती है वो किस वजह से होती है? आपको सभी को पता है एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं? ऊंचाई को बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप लोग बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाते हो ना, आपने देखा होगा जैसे कभी पहाड़ों वाले एरिया में जाओगे, किसी को वॉमिटिंग होने लग जाती है, किसी को क्या हो जाता है, तो हम बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से हो रही है, या फिर इसको एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई, ऊंचाई वाली बीमारी हो गई। तो एक्चुअली में होता क्या है, देखिए आपको पता है हमारी बॉडी की हर कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं है? ऑक्सीजन मिलती कैसी है? जब सांस आप लोग लेते हैं तो एयर जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो उस एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी बॉडी में यूज हो जाती है। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे आप लोग पहाड़ों पे जाओगे, ऊंचाई पे जाओगे दोस्तों, ऊंचाई पर एयर प्रेशर क्या होता है, क्या होता है? एयर प्रेशर कम होता है। एयर प्रेशर कम होने का मतलब क्या है? ऊपर एयर कम है भाई, एयर कम है तभी तो कम प्रेशर लग रहा है। तो एयर कम है तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होगी। तो आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन जा रही थी उतनी, जो नॉर्मली जाती है, आप लोग जहां पर भी रहते हो, उतनी नहीं जा पा रही, कम जा रही है, तो भाई ऑब्वियसली आप लोगों को दिक्कत होगी। इसी बीमारी को बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। क्लियर है क्या? अब इसका कारण क्या है, देखो मेरी बात को समझो दोस्तों। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, क्लियर है क्या? पृथ्वी के चारों ओर है एयर, जो पृथ्वी पे क्या लगा रही है, दाब लगा रही है, जिसे आप लोग बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस एयर में कौन कौन सी गैसें? सर बहुत सारी गैसें, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। दोस्तों कुछ प्रेशर ऑक्सीजन गैस लगा रही होगी, कुछ नाइट्रोजन लगा रही होगी, कुछ CO2 लगा रही होगी। तो डॉल्टन का एक नियम है, वो ये बोलता है कि जो कुल दाब लगाया गया है गैसों के द्वारा, वो किसके बराबर होता है? अलग अलग गैसों के द्वारा लगाए गए आंशिक दाब के बराबर होता है।
इसका मतलब अगर यहां पर ऑक्सीजन द्वारा जो आंशिक दाब जो लग रहा है अगर कम है, वो कम क्यों है, क्योंकि इधर ऑक्सीजन कम है। तो आप लोग बोल सकते हो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से या लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, ये वाली चीज होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों मैं भी आप लोगों को रिसेंट में मेरे साथ में जो इंसिडेंट हुआ मैं आप लोगों को बताता हूं। अभी मैं गया था लद्दाख, तो आप लोगों को पता है लद्दाख में एक पॉइंट है, जैसे आप लोग कभी जाओ ना, होता क्या है आप कभी लेह लद्दाख घूमने गए, आपने सोचा भैया 4 दिन का ट्रिप है, 4 दिन का ट्रिप है, लेह लद्दाख घूम के आऊंगा। दोस्तों जब आप लोग लेह में जाते हैं ना, तो पहले दिन आप लोगों को पूरा रेस्ट करना पड़ता है। इसको बोलते हैं एक्मिलिटाइजेशन, आपकी बॉडी को वो वाला एटमोसफेयर को एडेप्ट करने के लिए एक दिन चाहिए। वहां पर जाके आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते यार, क्योंकि आप लोगों की बॉडी को आदत है। जैसे मान लो आप जयपुर में रहते हो, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप लोग ऊंचाई पे जाते हो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो आपकी बॉडी को उस अनुरूप ढलने में समय लगता है। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, चलो लेह में एक दिन आपने रेस्ट कर लिया, अब आपने घूमना स्टार्ट किया, तो आपने सुना होगा वहां पर है खारदुंगला पास, जो कि क्या है आप लोगों वर्ल्ड का टॉप पॉइंट है, जहां पर आप लोग की गाड़ी चल सकती है। ठीक है, वहां पर हमको बोला गया, इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप लोग यहां पर 15 मिनट से ज्यादा मत रुकना। क्यों मत रुकना, क्योंकि यार यहां पर वैसे ही ऑक्सीजन कम है, हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और हम लोग खड़े हैं, घूम रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो बॉडी को ऑक्सीजन की चाहिए ही, तो बॉडी ऑक्सीजन उतनी मिल नहीं पा रही है, तो भैया 15 मिनट से ज्यादा मैं यहां पर रुक गया। तो हुआ क्या, वहां पर कुछ समय बाद में, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, भैया मैं हो गया हॉस्पिटल में एडमिट, क्योंकि मुझे वहां पर ऑक्सीजन चढ़ानी पड़ी, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई। ठीक है, तो ये सारा का सारा दोस्तों एल्टीट्यूड सिकनेस जो डिजीज है वो किस वजह से होती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए बताओ, एक निखिल सिंह जी लड़का है जो कंटिन्यूसली एक कमेंट कर रहा है, सर पेमेंट में डिस्काउंट कर दो। मेरा ध्यान पूरा इधर पढ़ाने में, आप सभी का ध्यान इधर पढ़ने में, इसका ध्यान कहीं और ही है, आपके लिए बेस्ट कर रखा है, पढ़ो तो पढ़ो ना मत पढ़ो, इधर कमेंट मत करो फालतू के यार, पढ़ लो, कुछ नहीं होना इससे, कंटेंट की वैल्यू करो। कंटेंट क्या होता है, तुम करो कचरा भेज दो 99 रुपए में, आके खेल लो 99 रुपए में, तभी तो सिलेक्शन नहीं हुआ, बैठे हो। आ जाओ, मेटाबॉलिज्म का क्या तात्पर्य है। दोस्तों ध्यान रखिए, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती है, सभी को मिला के आप लोग क्या बोलते हो, मेटाबॉलिज्म बोलते हो। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म में दो प्रकार की आप लोगों की रिएक्शंस होती है, एक होती है दोस्तों कैटाबॉलिज्म, एक होती है एनाबॉलिज्म। सर कैटाबॉलिज्म कौन सी एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी में, ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई बड़ा पदार्थ, कोई बड़ा सब्सटेंस छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट रहा है, जैसे डाइजेशन इसका एग्जांपल है, बहुत बढ़िया। दोस्तों एनाबॉलिज्म क्या होता है आप लोगों का, जहां पर कोई छोटे छोटे पदार्थ मिलके एक बड़ा पदार्थ बना रहे हैं, जैसे आपको पता है ना, हम लोग बोलते हैं हमारी बॉडी में प्रोटीन का निर्माण होता है, होता है ना हमारी बॉडी में, तो जो छोटे छोटे अमीनो एसिड्स होते हैं वो बड़ा प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, इन सभी को मिला के आपके बॉडी में क्या बन जाएगा, पूरा मेटाबॉलिज्म बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इस कैटाबॉलिज्म में क्या बनती है, एनर्जी रिलीज होती है। यार कोई जब कोई चीज टूट रही है, जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी बनती है, तो कैटाबॉलिज्म में क्या होती है, एनर्जी बनती है, एनर्जी रिलीज होती है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, इस वाली एक्टिविटी के लिए बॉडी क्या करती है, एनर्जी को कंज्यूम करती है। तो मेटाबॉलिज्म में दोनों हो रहा है, जो एनर्जी है उसका रिलीज भी हो रहा है, एनर्जी जो है ना उसका गेन भी हो रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। SHAW शॉ जी बोल रहे हैं, ज्योति सेटिंग करवा दो BRSSC में, आपकी करवा भी देंगे ना, वो आपको बोलेंगे चलो आपसे 25 क्वेश्चन नहीं एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है बताओ, वो क्वेश्चन मान लो ये क्वेश्चन आ गया, चलो एक क्वेश्चन का आंसर बता दो, आपको नौकरी दे देंगे, आप तो तब भी फेल हो जाओगे। ये फालतू की बातों में ध्यान मत लगाओ, तो पढ़ाई में ध्यान लगाओ। ठीक है, SHAW नाम भी ऐसे रख रखा है, SHAW, क्योंकि पता है कुछ होना तो है नहीं जीवन में, नाम सही करके क्या करें, कहीं छपना तो है नहीं। इस बच्चे का चयन हुआ। ऑस्टियोसाइट क्या है, देखिए दोस्तों आप लोगों को पता है हमारी पूरी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, सेल से, कोशिकाओं से मिलके बनी हुई है। इवन आप लोग ब्लड की एक बूंद लेंगे ना, तो उसमें भी क्या होती है, बहुत सारी सेल्स होती है, RBC, कितनी सारी RBC होती है, कितनी सारी WBC होती है, समझ पा रहे हो बात को। ठीक है,
दोस्तों हमारी जो बोन है ना हड्डी, क्या इसमें भी कोशिका पाई जाएगी? बिल्कुल दोस्तों, ये हड्डी आप लोगों की चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वो चार प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी है? एक है ऑस्टियोसाइट, एक है ऑस्टियोब्लास्ट, एक है ऑस्टियोजेनिक और एक है ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये जो ऑस्टियोसाइट दिया हुआ था, आई थिंक ऑस्टियोसाइट दिया होता ना ऑप्शन में, तो ऑस्टियोसाइट क्या है? एक प्रकार की सेल्स है जो आप लोगों के ब्रेन में पाई जाती है, अ टाइप ऑफ बोन सेल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है क्या? चले आगे, इनका अलग अलग कार्य होता है। ऑस्टियोसाइट का बात करें तो मेंटेन बोन टिश्यू, बोन में जो टिश्यू पाए जाते हैं उसका क्या करते हैं, ये मेंटेन रखते हैं उसको। चलिए, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, दोस्तों ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। अब दोस्तों होता क्या है, जो सेल्स होती है, एक प्रकार की सेल्स जिनका फंक्शन एक जैसा है, जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा है, उस सेल्स के समूह को, कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। भाई जब उनका सभी का काम एक जैसा है तो मिलके काम करेंगे ना, हमारी बॉडी में अलग अलग टिश्यू पाए जाएंगे, ठीक है। और इस टिश्यू की स्टडी करना है कि यार टिश्यू में है क्या, कौन सी सेल्स पाई जा रही है, किस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर है, ये पूरी की पूरी जो इनके स्टडी हो कहलाती है हिस्टोलॉजी। अगर आप लोगों से पूछा जाए स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। दोस्तों पैथोलॉजी क्या होता है, आपके आसपास में भी होगी ना पैथोलॉजी लैब, जहां पर आप लोग अपने टेस्ट करवाने जाते हो। जैसे मान लो डॉक्टर ने बोला यार ये टेस्ट करवा क्या, हो सकता है आपको डेंगू हो, वो चेक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए। तो पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द डिजीज एंड इट्स कॉजेज, ठीक है। वो बीमारी किस वजह से हुई है, उसके प्रॉपरली उसका डायग्नो उसको डायग्नोस करने से संबंधित ये पूरी की पूरी क्या है, ब्रांच है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे आपको सही जोड़ी चुनना है। ऑप्शन में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे आपको जोड़ी दी गई है, पेयर दिया हुआ है, तो करेक्ट पेयर को आप लोगों को चुनना है। दोस्तों पेयर में दिया हुआ क्या है पहले ये समझिए, ऑर्थ्रोपोडा, पॉरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, ये है क्या? आपको पता है जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, हम लोगों को लगता है कि एनिमल्स किसको बोलते हैं, केवल गाय को बोल दो, शेर को बोल दो, बिल्ली को बोल दो, बस इनको एनिमल बोलते हैं। दोस्तों हम भी एक एनिमल है, बायोलॉजी की नजर में एनिमल्स कौन से हैं बताओ जल्दी से? वो सभी जीव जो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, वो जीव जिनमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, वो जीव जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, वो जीव जिनकी कोशिका के चारों ओर सेल वॉल, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, वो सभी आप लोगों के एनिमल्स कहलाएंगे। अब इन एनिमल्स को इनकी विशेषताओं के आधार पर हम लोग अलग अलग फाइलम यानी अलग अलग समूह में रखते हैं। किसी को पॉरीफेरा संघ में रखेंगे, किसको रखते हैं सर? बहुत सिंपल एनिमल्स जो होते हैं जिनकी बॉडी में कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता है, जिनकी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उसको पॉरीफेरा संघ में रखते हैं। जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं उसको ऑर्थ्रोपोडा संघ में रखते हैं। जिनके बॉडी पे कांटे जैसे स्ट्रक्चर होता है उसको इकाइनोडर्मेटा संघ में रखते हैं, ठीक है। जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है लेकिन उनके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है उसको मोलस्का संघ में रखते हैं। चलो जल्दी से बताओ, चलो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जेली, इस स्टार फिश की बात करते हैं। स्टार फिश दोस्तों, स्टार फिश बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों का, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये कौन से फाइलम से संबंधित है, कौन से संघ से है, इसको आप लोग रखेंगे इकाइनोडर्मेटा में, तो ये आप लोगों का करेक्ट नहीं है। क्लियर है क्या? बात करते हैं जेली फिश, दोस्तों इसको रखा जाता है सीलेंट्रेटा फाइलम में। सीलेंट्रेटा फाइलम को आप लोग नाइडेरिया फाइलम भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात को? तो ये भी आप लोगों का करेक्टली मैच नहीं है। दोस्तों सिल्वर फिश, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नाम के आगे फिश लगा हुआ है, आपको लग रहा होगा ये एक्चुअल में फिश है, नहीं दोस्तों ये एक इंसेक्ट है, ये एक कीट है, कीट है, कीट। और कीट क्या होते हैं? जिनमें तीन जोड़ी पैर पाए जाते हैं, जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं, ये वाला पैर, 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 और जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं उसको ऑर्थोपोडा संघ में रखते हैं। तो ये बिल्कुल आप लोगों ने करेक्टली मैच कर रखा है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो कटल फिश है, देखो मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो आप लोगों की कटल फिश है उसको आप लोग रखेंगे मोलस्का फाइलम में, मोलस्का संघ से संबंधित है, ना कि इकाइनोडर्मेटा से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब होता क्या है, एक चीज आप लोग ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला, जो एनिमल्स होते हैं उसको हम लोग अलग अलग फाइलम में रखते हैं, जिनके बॉडी पे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उसको पॉरीफेरा संघ में रखते हैं, जिसके पैर जुड़े हुए होते हैं उसको ऑर्थ्रोपोडा संघ में रखते हैं, मैंने यही बोला ना।
लेकिन दोस्तों बस ये तो आपको समझाने के लिए एक मैंने बस बेसिक डिफरेंस बताया, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, क्या आप लोग बता सकते हो क्या डिफरेंस हो सकते हैं? हाँ यार, किसी की बॉडी में ऑर्गन अंग पाए जाते हैं, किसी के में नहीं पाए जाते हैं, किसी की बॉडी में सिस्टम पाए जाते हैं, किसी में नहीं पाया जाता। अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है ना, ये मैंने डाल रखा है एनिमल किंगडम का वीडियो, लेकिन दोस्तों वो ही पढ़े जिसको रियल में, जिसको साइंस पढ़नी है, जिसको रियल में एग्जाम पास करना है, और बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप रट के मत जाओ, चार एग्जाम्पल रट के जा रहे हो कि यार ये, क्योंकि आप लोग मेरी भी बात समझो, मैं यहाँ पर कितना क्या होता दूंगा। यूट्यूब पे डाल रखा है एनिमल किंगडम साइंस मैगनेट, डालो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आपको जो डर लगता था ना एनिमल किंगडम जंतु जगत पता नहीं क्या है, सब मजा आ जाएगा आप लोगों को। इतना प्यारा सा मैंने आप लोगों को वीडियो डाल रखा है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों पेरी प्लेनेटा किस संघ से संबंधित है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पेरी प्लेनेटा भी क्या है, एक एनिमल है, और आपको पता है जितने भी एनिमल्स होते हैं ये उनको उनकी विशेषताओं के आधार पर आप लोग अलग अलग फाइलम यानी अलग अलग संघ में रखेंगे, तो इसको कौन से संघ में रखेंगे क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। दोस्तों आपको मैं बता दूं पेरी प्लेनेटा क्या है, कॉकरोच की ही एक प्रजाति है, और कॉकरोच को जब आप लोग उल्टा करके देखोगे ना, इसके भी पैर जुड़े होते हैं, ये वाला पैर, 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 तो उसको कौन से हम लोग संघ रखेंगे? ऑर्थोपोडा संघ में रखेंगे। और दोस्तों ऐसे आप लोगों के ऑर्थोपोडा संघ के एनिमल जिनमें तीन जोड़ी पैर पाए जाते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंसेक्ट यानी कीट। तो क्या कॉकरोच एक इंसेक्ट है क्या, एक कीट है क्या? बिल्कुल एक इंसेक्ट है, कीट है। इसके और एग्जांपल क्या है, एक तो मैंने अभी आपको बताया कॉकरोच, एक इससे पिछले वाली स्लाइड पे मैंने बताया सिल्वर फिश, ठीक है, एक आपका होता है बटरफ्लाई तितली, एक आपका होता है जो चींटी होती है ना चींटी, वो भी इंसेक्ट ही है, उल्टा करके देख लेना, उसमें भी तीन जोड़ी पैर ही पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है रेडियल समरूपता किसमें पाई जाती है ना, किसमें पाई जाती है आपको बताना है, त्रिज्यीय सममिति किसमें पाई जाती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ये रेडियल सिमेट्री होता क्या है, देखिए दोस्तों कोई कोई एनिमल्स होते हैं जिनमें सिमेट्री पाई जाती है, किसी में बाइलेटरल किसी में रेडियल। देखो जैसे आप लोग ये देखो, ये मच्छर है, अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं, एक एक्सिस ड्रॉ करूं, तो जैसा ये राइट में है वैसा ही लेफ्ट में नजर आ रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। दोस्तों अब मैंने आप लोगों को एक एनिमल दूसरा ले लिया, यह है स्टार फिश, ठीक है। अब स्टार फिश में मैंने क्या करके देखा, एक ऐसे एक्सिस ड्रॉ किया जैसे राइट में वैसे ही लेफ्ट में, क्या बात है दोस्तों। एक एक्सिस और ड्रॉ करके देखा जैसे राइट में वैसे इस साइड है, मैंने एक और ड्रॉ करके देखा ये वाला जैसे इस साइड है वैसे इस साइड है। दोस्तों इस सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो कोई कोई आप लोगों के फाइलम के एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, किसी कोई में बाइलेटरल पाई जाती है, किसी में पाई नहीं जाती है। तो सर याद कैसे करें, एक ट्रिक याद रखो, CER, सीलेंट्रेटा फाइलम और इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं ना उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा, सीलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जैसे ये स्टार फिश में रेडियल सिमेट्री पाई जा रही है ना, स्टार फिश का फाइलम क्या है, इसको कौन से फाइलम में रखेंगे, इकाइनोडर्मेटा में। सर BPSC इंस्टीट्यूट साइंस के लिए फाउंडेशन बैच ले ले, NCERT से आएगा, 1 महीने में हो जाएगा। सूरज जी आप लोग जो पढ़ा रहे हो उस पर ध्यान दो, आपका जनरल साइंस का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का हटेगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है, बताओ जल्दी से। अब ये एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन कौन से आ गए सर, देखिए आपको पता है हमारी बॉडी में अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है जिससे अलग अलग हार्मोन निकलते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में एक एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है एड्रिनल। सर ये कहां पर पाई जाती है, जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी किडनी के ऊपर आप लोगों की पाई जाएगी ये वाली ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। दोस्तों इसका शेप थोड़ा सा ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में होता है। तो इस ग्लैंड के क्या होते हैं, एक तो होता है इसका आउटर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, जिसे आप लोग बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एक होता है इसके बीच वाला पार्ट बीच में, जिसे आप लोग बोलते हैं एड्रिनल, क्या बोलते हैं, मेडुला। अब कुछ हॉर्मोन इस आउटर वाले पार्ट से निकलते हैं, कुछ हार्मोन अंदर वाले पार्ट से निकलते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जो आउटर वाला पार्ट है ना इससे कौन से निकलता है, कॉर्टिसोल निकलता है,
एल्डोस्टेरॉन निकलता है और सेक्स हॉर्मोन्स भी निकलता है। सेक्स हॉर्मोन्स का मतलब क्या है, जो आप लोगों के सेक्सुअली ऑर्गन्स डेवलप करते हैं। अब मान लेते हैं आप लोगों की बॉडी में कोई दिक्कत हो गई, इस कॉर्टेक्स से जो हॉर्मोन निकलने वाले थे वो नहीं निकल रहे, तो दिक्कत क्या होगी, जैसे कॉर्टिसोल, दोस्तों कॉर्टिसोल आप लोगों के स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। अब मान लेते हैं ना किसी व्यक्ति के कॉर्टिसोल हार्मोन नहीं बन रहा, तो होगा क्या, व्हेन द बॉडी इज अंडर स्ट्रेस, जब बॉडी उसकी स्ट्रेस में होगी, तो नॉर्मली आपने देखा होगा है, बहुत जने जब स्ट्रेस में होते हैं ठीक है थोड़ा परेशान रहेंगे, एक घंटे दो घंटे तीन घंटे में नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है दोस्त उससे बात कर ली सब कर ली, किसी के दोस्तों वही दिमाग में घूमता रहेगा, बहुत ज्यादा परेशानी रहेगी, क्योंकि यार उसकी बॉडी में जो हार्मोन जो उसको नॉर्मल में लाने का काम करता है वो बन नहीं रहा, तो अब क्या करेगा, बन नहीं रहेगा तो दोस्तों उसको बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी, है ना, उसकी बॉडी काली पड़ जाएगी, ठीक है, उसकी बॉडी का जो रंग होगा वो काली पड़ जाएगा ढंग से, वो आप लोगों का देखो डार्कनिंग ऑफ स्किन ये इसके सिम्टम्स है, क्लियर है क्या, ब्लड प्रेशर आप लोगों का क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, फटीग बहुत ज्यादा थकान महसूस होगी, तो ये क्या है, एडिसन डिजीज के सिम्टम्स। और एडिसन डिजीज कब होती है, जब कॉर्टिसोल हार्मोन नहीं निकलता, और कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है एड्रेनल के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से, क्लियर है क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों आपने देखा होगा खाना खाते समय कुछ व्यक्ति को खांसी आ जाती है, आ जाती ना, ऐसे नहीं हमेशा आती है, कई बार आ जाती है, तो वो किस वजह से होता है, कौन ये मुझे बताएगा, होता किस वजह से है, ये किसकी एक्टिविटी सही नहीं होने की वजह से होता है। देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये रहा हमारा माउथ, ठीक है, ठीक है दोस्तों, माउथ से आप लोग क्या लेते हो, भोजन लेते हो, नाक से क्या जाती है, एयर अंदर जाती है, माउथ से भी जाती है लेकिन मेजरली कहां से जाती है, नाक से जाती है, ठीक है। अब होता क्या है, एयर जो आप लोगों की नीचे आती है ना, वो इस आगे वाले पाइप से आती है, जिसे आप लोग बोलते हैं ट्रैकिया, यानी श्वास नली, वायु नली, जो भी आप लोग बोलना चाहे, फिर इससे आप लोगों की कहां पर चल जाती है, लंग में चल जाती है। जबकि दोस्तों भोजन आप लोग खा रहे हो ना, वो पीछे वाला पाइप, ये जो आगे वाला पाइप है ना, ये ट्रैकिया, ट्रैकिया के जस्ट पीछे आप लोगों का क्या होता है, फूड पाइप होता है, जिससे भोजन नीचे जाता है, और भोजन कहां पर जाता है, आप लोगों के फिर पेट में जाता है, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ यार, यहां पर चांसेस है ना, जो खाना अगर इसमें चला गया तो खाना इसमें नहीं जाए, इसके लिए यहां पर एक वॉल्व लगा होता है, जिसे आप लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। दोस्तों जब ये आप लोगों का खुलता है ना, तो एयर वगैरह ये खुला रहता है आप लोगों का, जब आप लोग कुछ खाते नहीं हो, क्योंकि एयर वगैरह अंदर जानी होती है, जैसे आप लोग कुछ खाना खाते हो ये बंद हो जाता है, जिससे खाना आप लोगों का इधर जाए इधर नहीं जाए। मान लो दोस्तों गलती से कई बार ना एपिग्लॉटिस ढंग से काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा खाना यहाँ पर अटक गया है ना फूड पाइप के टॉप कॉर्नर पे, तो आप लोगों को क्या होगी, खांसी होने लग जाएगी, ठीक है। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर है क्या। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, बताओ अच्छे से पढ़ाई करो, रोज क्लास लो सुबह, कोई दिक्कत नहीं है, साइंस टफ वक्त ही है, कुछ नहीं लगेगी, है ना, लेकिन पढ़ो आप, जिस भी चीज से डर लगता है ना उससे भागो मत यार, भागोगे डर आपका बढ़ेगा ही, क्योंकि क्या पता आप लोग उसको फेस कर लेते हैं, पता पड़ता है चीज तो काफी आसान है, तो वो ऑप्शन तो आपने खो ही दिया, सारी चीजें आसान है समझो, कोई बात नहीं, एक बार में समझ में नहीं आता दो बार देख लो। थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहां पर स्थित होते हैं, सर थैलेमस और हाइपोथैलेमस तो सर हमारे ब्रेन के पार्ट है, तो ब्रेन में स्थित होता है, लेकिन सर ऑप्शन में ब्रेन तो है ही नहीं। देखो दोस्तों हमारे ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर ब्रेन, ये पूरा आगे वाला है ना, अग्र मस्तिष्क भी बोलते हैं, एक होता है मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, एक होता है हिंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, फोर ब्रेन सबसे बड़ा होता है, फिर आप लोगों का कौन सा होता है, हिंड ब्रेन होता है, और सबसे छोटा कौन सा होता है, मिड ब्रेन होता है। दोस्तों फोर ब्रेन के आप लोगों के तीन पार्ट होते हैं, सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क, एक होता है आपका थैलेमस, और एक होता है हाइपोथैलेमस, जिनके अलग अलग कार्य हैं। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसके पार्ट हुए, फोर ब्रेन के हुए, ऑप्शन में फोर ब्रेन है नहीं। दोस्तों आप लोग ईमानदार की बात बताओ, जब मैंने आप लोगों को साइंस पढ़ाई थी मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ ब्रेन, जाके देख लेना, मैंने आपको बताया था तीन पार्ट होते हैं, तो फोर ब्रेन, और मैंने ये बताया था फोर ब्रेन को एक नाम से और जानते हैं प्रोसेंसिफ्लॉन, बताया था नहीं बताया था, आजकल दोस्तों पूछ रहा, प्रीवियस ईयर में इतनी बार पूछा जा चुका है। ये मिड ब्रेन को हम लोग मिसेंसेफेलॉन के नाम से जानते हैं, हिंड ब्रेन को हम लोग रोमबेंसेफेलॉन के नाम से जानते हैं, तो फोर ब्रेन आ जाएगा ऑप्शन में या प्रोसेंसेफेलॉन आ जाएगा, आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए बात को। चलिए
आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। और एक चीज मुझे और बताएंगे, यहां पर एक ऑप्शन में दिया हुआ है आपको ब्रेन स्टेम, जिसे मस्तिष्क की पूंछ भी बोलते हैं। ये ब्रेन स्टेम क्या होता है, इस बार रेलवे में कम से कम 3 से 4 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए दोस्तों, ये ब्रेन स्टेम होता क्या है, जो हमारा पीछे वाला पार्ट है ना हिंड ब्रेन, वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? एक तो सेरिबिलम, सेरेब्रम नहीं, सेरिबिलम, जिसे अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं। एक होता है आप लोगों का पॉन्स और एक होता है आपका मेडुला, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग समझिए, तो हमारे मस्तिष्क का जो सबसे छोटा पार्ट है मिड ब्रेन, ठीक है सर, वो हो गया दोस्तों। एक हो गया आप लोगों का पॉन्स और एक हो गया आप लोग, ये हो गया पॉन्स और एक हो गया आपका मेडुला। ये तीनों मिलकर ऐसा लग रहा है ना पीछे ब्रेन में से कोई पूंछ निकल रही है, इसे ही आप लोग बोलते हैं मस्तिष्क की पूंछ, यानी ब्रेन स्टेम। तो आप लोगों से पूछा जाए ब्रेन स्टेम किससे मिलकर बनता है, तो आप लोग बोलोगे मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेडुला, ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर इसकी क्लास लगा दो, इसकी क्लास लगा दो, पढ़ नहीं रहे हो बस। शायद आपने थंबनेल पढ़ा जनरल साइंस फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम यार। चलिए, डैश की कमी से पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है। दोस्तों क्या आपने देखा है किसी पत्ती में क्लोरोसिस होते हुए? आपने सभी ने देखा है बट आप पहचान नहीं पा रहे। क्लोरोसिस क्या होता है? पत्तियों का पीला पड़ जाना, पत्तियों का पीला पड़ जाना। देखो ये पत्ती ऐसी हो जाती ना, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्लोरोसिस। कहां अच्छी भली हरी थी, अब पीली पड़ गई। दोस्तों ये क्लोरोसिस के पीछे कारण क्या है? क्लोरोसिस के पीछे कारण है पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी। आपको पता है क्लोरोफिल की वजह से ही क्या होता है, हरा रंग मिलता है। क्लोरोफिल की वजह से ही प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। तो प्लांट के लिए क्लोरोफिल बहुत जरूरी है। कहां पाया जाता है क्लोरोफिल? ऑब्वियसली प्लांट भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, कोशिका के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। अब दोस्तों आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम की जरूरी है। तो अगर प्लांट में मैग्नीशियम की कमी होती है तो क्लोरोफिल की भी कमी होगी। तो जो हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से हो पा रहा था वो नहीं हो पाएगा, तो पत्तियों का जो कलर हो जाता है ना वो येल्लो येल्लो पड़ जाती है, और इसी समस्या को हम लोग बोलते हैं क्लोरोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ दोस्तों। इस ग्लाइकोलिसिस से एनटीपीसी में, एनटीपीसी जो हुआ था ना 2021 का, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे इकलौते एनटीपीसी में। क्या होता है सर, आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों होता क्या है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है इसको समझाता हूं मैं। पहले समझो, हमारी हर कोशिका को एनर्जी की जरूरत है, आप लोगों को पता है। एनर्जी मिलती कैसी है हमारी कोशिकाओं को? कोशिका के पास में जो ग्लूकोज होता है ना, जब उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है ना, तो उससे मिलती है एनर्जी। साथ में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। और दोस्तों इसे ही तो रेस्पिरेशन बोलते हैं, श्वसन। कोशिका के पास में ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, एक्सचेंज ऑफ गैस कहलाता है रेस्पिरेशन। जो हम लोग लेते हैं ना वो ब्रीथिंग होता है, रेस्पिरेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैस। कोशिका के पास में ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो रेस्पिरेशन होता है ना, वो 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्लियर है क्या सर? इसमें क्या होता है, इस वाले स्टेप में जो आपका ग्लूकोज होता है ना, वो किसमें टूटता है? पाइरूवेट में टूटता है, पाइरूवेट में टूटता है। आप लोगों से पूछा जाए कि ये वाला जो स्टेप होता है क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है कि नहीं? दोस्तों ये वाला स्टेप ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। क्लियर है क्या? इसके बाद के 2 स्टेप और है सर। कौन से है आप लोग इधर ही बता दो। एक होता है दोस्तों क्रैब साइकिल, और एक होता है आप लोगों का ETC, ठीक है। आप लोगों का लिखा हुआ है किधर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं उसको, कोई बात नहीं। दोस्तों ये ग्लाइकोलिसिस जो पार्ट है ना, कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है होता कहां पर है, कोशिका के किस भाग में होता है? देखिए कोशिका में होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। न्यूक्लियस के बाहर ये जो लिक्विड भरा होता है बाहर, जिसे आप लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य, वहां पर ये होता है। दोस्तों इस ग्लाइकोलिसिस को हम लोग EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों इस प्रोसेस के बारे में हम लोगों को किसने बताया था? एम्बोडेन, मेहरोफ एंड पेरनेस, इन तीनों ने बताया था कि और कोशिकाओं में ऐसा कुछ होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे।
सर फिजिक्स है या नहीं है, बायो अभी आएंगे, फिजिक्स के भी आएंगे, टेंशन क्यों लेते हो। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी गैर संचारी रोगों का उदाहरण है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी इसमें से। देखिए दोस्तों, कम्युनिकेबल डिजीज किसके बोलते हैं आप लोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आ जाए। जैसे भाई कोरोना है, कोरोना वायरस की वजह से होता है, आप लोग छींका वायरस आपकी बॉडी से बाहर निकलेंगे, दूसरे की बॉडी में एंटर कर जाएंगे तो 3-4 दिन में उसको भी सिम्टम देखने को मिल जाएंगे, उसको भी कोरोना हो जाएगा। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए। कैंसर फैल जाता है क्या? नहीं दोस्तों। डायबिटीज फैल जाता है क्या? जैसे किसी व्यक्ति को डायबिटीज, आप उसके साथ में बैठ रहे हो तो डायबिटीज हो गया? नहीं। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर? नहीं। तो ये आप लोगों की तीनों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता? देखिए दोस्तों, डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? देखिए दोस्तों, हमारे आपको पता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या आते हैं, कैरेक्टर्स आते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आपको कोई बोलता होगा, यार भाई तेरी आंख तो बिल्कुल मम्मी जी की जैसे लगती है, तो यानी मदर से आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ आया होगा। तो दोस्तों जो आते हैं, जिसकी वजह से कैरेक्टर्स आते हैं, वो क्या है आप लोगों के, हमारी बॉडी में किस वजह से आता है? डीएनए की वजह से आता है। डीएनए आपको हमारी बॉडी में हर कोशिका में मिलेगा, यार पूरी बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, पूरी कोशिकाओं में क्या मिलेगा आप लोगों को? डीएनए मिलेगा। अब कोशिका में डीएनए कहां पर मिलेगा? दोस्तों कोशिका के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस केंद्रक, इसके अंदर डीएनए मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्या इसमें भी कुछ डीएनए मिलेगा क्या? बिल्कुल सर, इसमें भी डीएनए मिल जाएगा। प्लांट की सेल की बात करोगे तो वहां पर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, तो उसमें भी डीएनए पाया जाता है क्या? बिल्कुल सर, उसमें भी डीएनए मिल जाएगा। जो कोशिका के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है ना, उसके अंदर डीएनए नहीं होता, उसके अंदर नहीं होता, बाकी इसमें भी मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों कोई द्रव है, उसका क्रिटिकल एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 डिग्री। क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण क्या होता है? अगर क्रिटिकल एंगल को परिभाषित करूं, कि एक अलग से वीडियो बनाऊं क्या, 10 मिनट का वीडियो बना रखा है, देख लेना, क्रिटिकल एंगल साइंस मैग्नेट नीरज सर, छोटा सा वीडियो बना रखा है, अभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, पूरा सब फील आ जाएगा आपको। चलो कोई बात नहीं, इसको यहां पर मैं समझाता हूं। देखो दोस्तों, जैसे आपको पता है हर माध्यम के अलग अलग अपवर्तनांक होते हैं, जैसे वायु का अपवर्तनांक है 1, पानी का है 1.33, कांच का है 1.5, वैसे ही हर माध्यम के अलग अलग क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण होता है। सर क्रांतिक कोण क्या होता है? जैसे जैसे यहां पर कोई माध्यम है, मैंने बोला किसका क्रांतिक कोण मान लो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं कोई प्रकाश की किरण 25 डिग्री सेल्सियस, जैसे मान लो ये 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर अगर मैं कोई प्रकाश किरण इसमें मैं लेके जाता हूं, तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है, चलो अब संबंध बात करते हैं किसी माध्यम के अपवर्तनांक और उसके क्रांतिक कोण में, क्रिटिकल एंगल में क्या संबंध है। दोस्तों जो म्यू होता है, अपवर्तनांक होता है, वो किसके बराबर होता है? 1/sin c के बराबर होता है, जहां पर सी क्या है? क्रिटिकल एंगल है। तो आपको सी का मान तो दिया हुआ है, आपको म्यू का मान निकालना है, तो म्यू इक्वल टू 1/sin 45। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। तो म्यू का मान क्या हो गया? 1/√2, या फिर आप लोग बोल सकते हो √2। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आ गई? चलिए बताओ, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? जैसे दोस्तों ये पेन है 100 ग्राम का, मैं पृथ्वी पर खड़ा हूं तब भी 100 ग्राम का रहेगा, चंद्रमा पर जाऊंगा तब भी 100 ग्राम का रहेगा, इसका द्रव्यमान थोड़ी चेंज रहेगा। तो द्रव्यमान जो होगा ना, वो आप लोगों का अपरिवर्तित रहेगा। हाँ दोस्तों, वेट जो होता है भार, वो चेंज होगा, क्योंकि एक्चुअल में वेट क्या है, जैसे मान लो ये वस्तु, इसको छोड़ रहा हूं, ये नीचे की ओर आ रही है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी इसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो जब चंद्रमा पे जाऊंगा तो इसको जब छोड़ूंगा ना, तो हो सकता है धीरे धीरे नीचे जाए, क्योंकि चंद्रमा उतना ज्यादा आकर्षित नहीं करता, क्योंकि चंद्रमा का साइज कम है, पृथ्वी का बहुत बड़ा है। तो वेट जो होता है ना, वो चेंज होता है, मास द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता। चलिए इसका आंसर बताएंगे आप लोग, बताओ सर। EMRS के लिए लैब इक्विपमेंट की क्लास ले लो, सबके लगा देंगे आप, आफ्टर दी जब क्लास खत्म हो जाए ना, उसके बाद में कमेंट कर देना है ना, अभी ये पढ़ लो आप। चलिए, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। दोस्तों कोई एक बिल्डिंग है,
बिल्डिंग से आप लोग क्या कर रहे हो, कोई वस्तु को गिरा रहे हो, जस्ट ऐसे शून्य वेग के साथ में, ऐसे कोई वेग नहीं दे रहे, कोई और कुछ वेग दे रहा हूं, नहीं, किस वेग से छोड़ रहे हो, प्रारंभिक वेग क्या है इसका, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। 4 सेकंड के बाद में दोस्तों वो धरातल पे पहुंचता है, जमीन पे पहुंचता है, 4 सेकंड लगे उसको नीचे पहुंचने में। तो आपको बताना है मीनार की हाइट क्या थी। सर कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो मुझे तो आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं आता तभी तो हम लोगों को सीखना है। दोस्तों आपने गति के समीकरण पढ़े होंगे, दूसरा समीकरण जानते हो आप लोग क्या होता है? बिल्कुल सर जानता हूं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बोल सकता हूं कि जब वस्तु यहां से यहां पर पहुंची, इसका विस्थापन कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वही कैलकुलेट करना है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां से स्टार्ट हुआ जहां पर एंड हुआ उसके बीच का कोई शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या है, सीधे सीधे आ जाओ, यही शॉर्टकट है। यानी जो इस बिल्डिंग की हाइट होगी ना, मीनार की जो ऊंचाई होगी, वही क्या बन जाएगा, हमारा विस्थापन बन जाएगा। तो कुल मिला के विस्थापन हम लोगों को निकालना है। समझ में आ गई बात को? कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है सर, चलो निकालो। U का मान क्या है, प्रारंभिक वेग क्या दिया सर? कुछ नहीं दिया, जीरो था, ठीक है, 1/2। एक्सलरेशन, त्वरण कुछ है क्या सर? त्वरण तो तब होता है ना जब कोई फोर्स लगाते हैं। सर मैंने तो कोई फोर्स लगाया ही नहीं, मैंने तो जस्ट सिंपल छोड़ा। अरे आपने फोर्स नहीं लगाया, लेकिन पृथ्वी तो फोर्स लगा रही है ना, और पृथ्वी जब फोर्स लगाती है, आकर्षण बल लगाती है, उसके वजह से जो वो त्वरण आता है उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, वो आएगा ही आएगा। आप रोक नहीं सकते कि भैया मैं इस वस्तु को छोड़ रहा हूं, पृथ्वी अर्थ आप इसको अट्रैक्ट मत करो, अट्रैक्शन फोर्स मत लगाओ, वो लगाएगी लगाएगी, तो त्वरण आएगा ही आएगा। कौन सा आएगा? ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8, ठीक है। और कितने टाइम में, यहां से यहां पर कितने टाइम में आ गया, 4 सेकंड में, 4 का स्क्वायर 16, तो 16/2 हो गया 8, तो 9.8 × 2। गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों 9.8 से आंसर नहीं आ रहा, तो उसको 10 मान लो, तो 10 × 2 हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया क्या? अरे 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 अरे, मैं 16 को 2 से काट रहा हूं, 8 आएगा ना इधर, सॉरी 8, तो 80 मीटर आएगा आंसर, है ना, 80 मीटर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपिल कुमार जी, सर जी एपीएल के लिए क्वेश्चन कराओ, ठीक है, कल से मैं थंबनेल पे लिख दूंगा, ये एपीएल के लिए है, ये तुमको क्या है बस वो चाहिए, कुछ ना कुछ कमी क्या निकालो सर, एपीएल एएलपी के लिए कराओ, पढ़ना कुछ है नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ये लिखवा लो मुझसे, मैं क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं। इस बार आपको पता है ग्रुप डी में सर्वाधिक सिलेक्शन दिया अपन ने, और इसमें मैं मेरा कोई रोल नहीं मानता, मैं उसका रोल मानता हूँ उस बच्चे का, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया वो पढ़ा। ग्रुप डी का जब एनालिसिस हुआ, बहुत सारे ऐसे टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, मैंने अलग अलग छोटे छोटे वीडियो डाला आप लोगों के लिए, वो बच्चे पढ़ के गए, बोले सर इन छोटे छोटे वीडियो से मेरा इतने क्वेश्चन बन गए। कुछ देर बोल दो सर, वो एएलपी के मत करवाओ सर, वो उसके करवाओ, आरपीएफ के करवाओ सर, मैं तैयारी आरपीएफ की कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, साइंस में आपका सब कुछ हो जाएगा, बस आप पढ़ो। डेली सुबह क्लास होती है, 10 बजे आप क्लास लो, कोई सा भी एग्जाम हो आप लोग, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है साइंस में, अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो, ठीक है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? जैसे दोस्तों आप लोग खड़े हो मिरर के सामने, ठीक है, आपकी पूरी की पूरी इमेज दिख रही है आपको मिरर में, ठीक है, लेकिन अगर मिरर बहुत छोटा हो तो आपकी पूरी इमेज नहीं बनेगी, हो सकता है आपके यहां से यहां तक पेट तक का हिस्सा है। तो जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है, इसकी कुछ हाइट है, मान लेते हैं h, 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर, और आपने सामने क्या रखा है, मिरर रखा है। अगर आप चाहते हो पूरी इमेज बने, आप लोग बोलोगे कि सर मैं तो छोटा सा मिरर रखूंगा ना तब भी मेरी इमेज बन जाएगी, मतलब कैसे सर, मैं बहुत दूर जाऊंगा तब आ जाएगी इसमें इमेज। दोस्तों आप कितना भी दूर जाओ कितना भी पास आओ, अगर आप लोग चाहते हो आपकी फुल इमेज बने, तो एटलीस्ट न्यूनतम कितना होना चाहिए, ये जितनी वस्तु की ऊंचाई है, जितने व्यक्ति की ऊंचाई है जो भी इसके सामने खड़ा है, उसका कम से कम आधा होना चाहिए। तो अगर 1.5 मीटर इसकी लंबाई है, 1.5 मीटर 1.5 मीटर, तो कम से कम इतना मीटर इस मिरर की ऊंचाई होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए, जो भी आप लोग बोलना चाहे। 1.5 को बोलेंगे 3/2, 2 नीचे के 4 हो जाएगा, 3/4 होता है 0.75 मीटर। बड़ा कितना भी रख सकते हो, छोटा मिनिमम इतना रखना पड़ेगा,
इससे छोटा रख दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी, इमेज नहीं बनेगी पूरी। चलिए इसका आंसर बताएंगे। कोई तत्व है ए, कोई तत्व है ए, कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैंगनीज, मैलेनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, कोई भी हो सकता है। आपको बोला गया है इसमें प्रोटोन कितने हैं, 19 है। दोस्तों क्या अभी इस पे कुछ चार्ज है, क्या आवेश है, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं सर, इसका मतलब यह है जितने प्रोटोन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें प्रोटोन भी 19, इलेक्ट्रॉन भी 19। ठीक है दोस्तों, आपको बोला जा रहा है अगर इसका कोई आयन लूम है ए प्लस, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने लेंगे। दोस्तों कोई भी आवेश कब आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जब आप लोग इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हो या ग्रहण करते हो। जब आप किसी एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, दो को करोगे दो पॉजिटिव चार्ज आएंगे, तीन को करोगे तीन पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आता है, दो रिसीव करोगे तो दो नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा है। तो डोनेट कर दिया तो जो 19 होने चाहिए थे वो कितने हो गए, यानी 18 हो गए। तो अगर इसमें आप लोगों से इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो 18, लेकिन अगर प्रोटोन की पूछ ले दोस्तों, प्रोटोन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, प्रोटोन 19 रहेंगे। क्लियर है क्या? चले आगे, चले चले। आप लोगों से इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है 18, प्रोटोन की पूछता तो 19 आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों जो सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं, कोई भी चांदी की कोई भी बनी हुई चीज होती है, जब आप लोग बहुत खुले बहुत लंबे समय तक उसको हवा में रखते हो, खुले में रखते हो, तो इसके गठन के कारण यानी इनमें से क्या बनने की वजह से वो काले कलर के हो जाते हैं, बताओ बताओ। तो होता क्या है, जब आप लोग सिल्वर को खुले में रखोगे ना, तो सिल्वर क्या करता है, इस एटमोस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है और आप लोग का जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, इससे रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। और इस सिल्वर सल्फाइड का रंग क्या होता है, काला होता है। तो क्या बनने की वजह से वो काला हुआ, सिल्वर सल्फाइड बनने की वजह से। दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास में, क्योंकि क्या मैं मूडी आदमी हूँ, आपको मान लो 12 बजे मन कर गया मेरा, चलो कुछ बना देते हैं वीडियो। अभी 4 दिन पहले मैंने बनाया था इकोलॉजिकल पिरामिड का, देखना वीडियो छोटा सा। सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है। आपको पता है दोस्तों टोटल हमारे पास में 118 तत्व है, कोई गैस के रूप में पाया जाता है, कोई ठोस अवस्था में पाया जाता है, कोई तरल अवस्था में पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा आप लोगों का द्रव यानी तरल अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों ब्रोमीन जो कि एक नॉन मेटल है, अधातु है, ये इकलौता ऐसा अधातु है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। बाकी के कई अधातु होते हैं, कोई ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, कोई तरल अवस्था में पाए जाते हैं, कोई गैस अवस्था में पाए जाते हैं, कोई ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तरल अवस्था में पाए जाने वाला इकलौता अधातु है ब्रोमीन। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। दोस्तों आपके कितने सही हुए 25 में से, प्लीज आफ्टर दी वीडियो कमेंट जरूर करें। कोई बात नहीं, 4 ही सही हुए, कोई बात नहीं, लेकिन आप बोलो सर मेरे 4 ही सही हुए, लेकिन 21 मैंने समझ लिए जो आप लोगों ने समझाया। आप लोग प्लीज वीडियो के बाद में कमेंट करना, क्लियर है क्या? कोई बात नहीं सर मेरे 10 ही सही हुए हैं, लेकिन आप लिखना, हाँ सर लेकिन बाकी का मैं समझ गया। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, बुधवार से यानी परसों से शुरू हो रहा है चैप्टर वाइज एमसीक्यू बैच, 45 क्लास में पूरी साइंस में आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा, मजा आप लोगों को आ जाएगा। दोस्तों सीरियसली मैं, आप क्वेश्चन देखना किस माध्यम से, हर एक एक क्वेश्चन के माध्यम से सब कुछ आप लोगों का मैं कवर करवाऊंगा। 45 क्लास में आपकी पूरी साइंस कवर हो जाएगी। सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों रामबाण है ये, क्योंकि साइंस इतना बड़ा, आप लोग घबरा जाते हो ना सर मैं कैसे करूं, ऐसे कर लो। हर क्लास की आप लोगों को पीडीएफ है, 6 महीने की आप लोगों की वैलिडिटी है। और मैं फिर बता देता हूं इसका प्राइस आप लोग 399 केवल बुधवार तक है, बुधवार तक आप लोग ज्वाइन कर लेना, मिस मत करना, इसका प्राइस बढ़ जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट आपका कवर होगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। दोस्तों इस नंबर पे आप लोग अधिक जानकारी ले सकते हैं, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करोगे आपके पास में तुरंत एक व्हाट्सएप पे लिंक आ जाएगा, उसको करके सीधे ज्वाइन कर लेना। बाकी आप लोग दूसरे तरीके से ज्वाइन करना चाहो कैसे करेंगे, प्ले स्टेप पे जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप को इंस्टॉल करिए, कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे तो इधर आप लोगों को मिल जाएगा, इस पे जाके आप लोग बाय नाउ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।